नमस्कार, मेरे सेंट्रल आर्म फोर्स के वीरो, आज के वीडियो देखने के बाद आप सभी के चेहरे खिल जाएंगे, खास तौर पर उनके जिनका चयन जनवरी 2004 के बाद हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारा चैनल नेशन फर्स्ट CAPF आप सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों को समर्पित है। कल यानी कि बुधवार 11 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले में हमारे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशक्त बल यानी कि सेना मान लिया गया है, और इस फैसले से हजारों कर्मचारी पुरानी पेंशन के दायरे में आ जाएंगे, जिसके लिए वो सालों से न्याय की गुहार लगा रहे थे। दोस्तों, फैसले के सभी पहलू हम विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो जाए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत वाली 2 सदस्यीय पीठ ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशक्त बलों के समान मानते हुए ये फैसला सुनाया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों पर नई पेंशन लागू नहीं होगी, जो कि केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 2003 को नई पेंशन योजना लागू की थी और इसमें सशक्त बलों को बाहर रखा गया, लेकिन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को NPS के दायरे में रखा गया था। इस फैसले से CRPF, BSF, आसाम राइफल, CISF, ITBP, SSB और IRB आदि के कर्मचारियों को फायदा होगा। श्रीनिवास शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में अदालत ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशक्त बलों के रूप में मान्यता दी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में NPS को खत्म करने की बात होती रही है, चाहे इन बलों में कोई आज भर्ती हुआ हो, पहले भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशक्त बलों के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थी, इसी चक्कर में पुराने पेंशन का मामला भी उलझ गया था। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया, उन्हें NPS में शामिल किया गया था। सिविल कर्मचारियों के साथ CAPF को भी पुरानी पेंशन से बाहर रखा गया। उस समय सरकार का मानना था कि देश में सेना, नौसेना और वायुसेना ही एकमात्र सशक्त बल है, जबकि BSF अधिनियम 1968 में कहा गया है कि BSF का गठन भारत संघ के एक सशक्त बल के रूप में किया गया था। इसी तरह CAPF के बाकी दलों को भी भारत संघ के सशक्त बलों के रूप में गठन किया गया है। इसी ठोस आधार पर कोर्ट ने माना है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भी भारत के सशक्त बलों में शामिल है, ऐसे में उन पर NPS लागू नहीं होता। दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी के लिए एक लाइक तो बनता है, और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक बार फिर से, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल नेशन फर्स्ट CAPF को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।